अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुस्तनसर मिराज और मेरा नाम है मोहम्मद मियानी। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, उस वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नाम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की वीडियो का टाइटल है जी NSG ब्लैक एट कमांडोज रिपब्लिक डे 2021। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो। कमांडो ऐसे कदम से कदम जो आना चाहिए बिल्कुल। मेरे ख्याल से रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे, रिहर्सल कर रहे हैं। जी नयान, कैसे लगे आपको एनएसजी ब्लैक कैट कमांडोज? भाई मुझे तो उनका कैमरा बहुत अच्छा लगा। पहली बात यह है कि वो जो नीचे से ऊपर लेके आ रहे होते हैं, इधर उधर जो भी कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा कैमरा उन्होंने यूज किया हुआ था। उसके बाद जो कमांडोज ने उनका जो यूनिफॉर्म था वो बहुत अच्छा था। उनका जो पूरा चेहरा था उन्होंने ऊपर अपने मास्क पहन के रखा था, ठीक है, सिर्फ उनकी आईज नजर आ रही थी। और उनका जो डॉग था उसको पूरी प्रोटेक्शन के साथ रखा था, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई हुई थी उनको, और उनकी जो कार्स वगैरह थी वो फुल ब्लैक थी। और इनकी जो एनएसजी कमांडो की मैंने पहले भी वीडियो फ्रेंड्स की हुई है, इनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। और ये सारे मिलिट्री मैन ही होते हैं जो कि आर्मी के लोग आगे कमांडो की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, और उनमें से भी वो चंद लोग होते हैं जो कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद जो है ये यहाँ तक पहुंचते हैं। और बहुत ही इनका जो है डिसिप्लिन बहुत ही कमाल का है। रिहर्सल के दौरान ही भी इनको देख लो कि कैसे कदम से कदम मिल रहे हैं और जो ऊपर नीचे कदम कर रहे हैं वो इनका जो है बहुत ही, इनकी पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, मेहनत है और रिहर्सल बहुत ज्यादा है इनकी। और इनकी जो गन थी ना, गन जो छोटी गन यूज की हुई है, इसके पीछे मकसद मेरे ख्याल से यही है कि जब ये किसी ऑपरेशन करने के लिए किसी बिल्डिंग में या किसी जगह में दाखिल होते हैं तो ये छोटी गन यूज करने का मकसद ये होता है कि वहां पे जो है ना इनकी गन स्टक ना हो, मूवमेंट करने के लिए इनको आसानी पेश हो। और ये मेरे ख्याल से गन जो है ना फ्लेक्सिबल गन है, इसके पीछे से रॉड निकलता है, लंबी भी हो जाती है और ये छोटी भी हो जाती है।
और बाकी कुछ इनकी ये जो सीढ़ियां इन्होंने यूज की है इनका पता है कुछ है? इनका तो मुझे इतना कुछ पता नहीं ये है भी किसी सीढ़ियों बारे में। सीढ़ियों के उस टाइम यूज करते हैं कि जब कोई भी सस्पिशियस किसी बिल्डिंग में होते हैं जी तो वो वहां पे जो है ना सारा उन्होंने नीचे से पैक किया होता है ताकि कोई अंदर आ ना सके। तो फिर जी ये जो कमांडोज होते हैं ये इन सीढ़ियों का यूज करते हैं बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए, तो बिल्कुल फिर ऐसे बिल्डिंग ही के अंदर दाखिल होकर ये अपने ऑपरेशन को कंप्लीट करते कंप्लीट हैं। कर लेते और हैं। सबसे अच्छी जो मुझे चीज लगी है इनके जो डॉग को इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट जी पहनाई जी हुई थी ताकि उसकी भी सेफ्टी, सारी बात है सेफ्टी इनकी टीम का हिस्सा है जी उनकी बिल्कुल ऐसे हिफाजत ही भी जो है करना वो बहुत जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। तो बाकी ओवरऑल कमांडोज फ्रेंड्स बहुत ही इनकी ट्रेनिंग अच्छी लगी है मेरे ख्याल से। ये जो है ना इन्होंने रिहर्सल कर रहे हैं ये 2021 की जो जी रिपब्लिक डे परेड थी उसके लिए इन्होंने रिहर्सल किया है, तो जी बहुत ही अच्छी लगी है ये वीडियो। तो आपको कैसी लगी नो यार? मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि उनका, मुझे सबसे ये अच्छा लगा कि उनका जो यूनिफॉर्म था हर चीज उनकी ब्लैक, कार ब्लैक, और जो उन्होंने डॉग को प्रोटेक्शन दी हुई थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। आज का साथ यहीं तक था और जाते जाते प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।